जय श्री कृष्ण। आज हम इंचिंग विथ इंटरलॉकिंग ऑफ टू नंबर ऑफ रिले विथ लोड, इसी के ऊपर बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल सर्किट ड्राइंग करेंगे। पहले एक 24 वोल्ट डीसी सोर्स लेंगे और एक इमरजेंसी पुश बटन एनसी टाइप स्विच, दो नंबर ऑफ लेंगे पुश बटन एनओ टाइप ऑफ स्विच, दो नंबर ऑफ रिले, दो नंबर ऑफ लोड। पहले हम क्या करेंगे, एक 24 वोल्ट डीसी के साथ एनसी जो स्विच है, जो स्टॉप पुश बटन है और इमरजेंसी पुश बटन स्विच है, उसी को कॉमन पोर्ट में लगाएंगे। वहां से एनओ एनसी हो जाएगा। एनसी पोर्ट से निकाल के एक स्विच स्टार्ट पुश बटन वन, जिसका हम नाम दे स्टार्ट पुश बटन वन, उसी का कॉमन पोर्ट में डालेंगे। और एक स्विच इसको इधर लेके स्टॉप पुश बटन स्विच, जिसको नाम दिया है टू स्टॉप पुश बटन स्विच, उसको कॉमन में डालेंगे। और यहाँ से जो एनओ पोर्ट से निकल जाएगा वो आर टू रिले का एनसी कॉन्टैक्ट पोर्ट लेंगे। एनसी कॉन्टैक्ट पे कॉमन पोर्ट, और यहाँ से एनसी पोर्ट हो जाएगा रिले वन का ए वन पोर्ट में, और ए टू जाएगा जीरो पोर्ट में। और यहाँ क्या करेंगे, आर वन रिले का ही एनसी पोर्ट लेंगे, उसको कॉमन पोर्ट में डालेंगे, और एनसी से निकल के जाएगा आर टू का ए वन पोर्ट में, और ए टू निकल के जाएगा जीरो पोर्ट में। ये आ गया पूरा हमारा कंट्रोल सर्किट। तो पावर सर्किट कैसे ड्राइंग करेंगे देखेंगे। 230 वोल्ट को एसी लेंगे, एक पोर्ट में इधर जाएंगे, और इधर आर वन का एनओ, ये जो रिले है आर वन, उसी का एनओ का कॉमन पोर्ट में लाएंगे 230 वोल्ट, और एनओ पोर्ट में जाएगा सीधा निकाल के लोड के जाएगा। यह बाजार हो सकता है, एक लाइट हो सकता है, मोटर हो सकता है लोड, और यहाँ से आएगा सीधा न्यूट्रल पोर्ट। और इधर जो आर टू रिले है, ये जो आर टू रिले है, उसी का ही एन टू एनओ पोर्ट लेंगे, और एक जहाँ पे 230 वोल्ट एसी आएगा उसमें कॉमन पोर्ट में डालेंगे, और एनओ पोर्ट से निकाल के जाएगा सीधा लोड टू। यह अभी दोनों मोटर दो हो सकते हैं, लाइट दो होते हैं, जैसे हम लोग लेंगे इसको अलग अलग नाम करके लेंगे। दो लोड है, एक लोड नहीं है, दो लोड है। और यहाँ न्यूट्रल जोड़ देंगे। तो देखते हैं हम लोग फंक्शन काम कैसे करते हैं इसमें। जब हम लोग एक पुश बटन प्रेस करेंगे तब ये पावर इधर आएगा। एट फर्स्ट क्या होगा, ये 24 वोल्ट इधर एनसी पोर्ट होके आके इधर रह जाएगा और इधर तक रह जाएगा, ये आगे नहीं जा पाएगा। उसके बाद जब हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट इधर आ जाएगा, और कॉन्टैक्ट पर जब मिलेगा तब उसी टाइम इधर पावर से इधर आ जाने लगेगा, और इधर आके ए वन पोर्ट में जाएगा रिले वन का, और ए टू होके निकल के जीरो वोल्ट में आ जाएगा। उसी टाइम कॉन्टैक्ट क्या होगा, कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और रिले ऑन हो जाएगा। क्यों, यह ये वाला जो आर टू है उसी को ऑन करने के लिए इसको छोड़ देना है, उसके बाद इसको प्रेस करना है। जब इसको प्रेस करेंगे तो पावर इधर पहले था, वही पावर इधर आके आर वन को एनसी है तो इधर पावर चला जाएगा, पावर जाके ए वन में आएगा, ए वन और इधर ए टू कनेक्शन है जीरो वोल्ट के साथ, तो इधर आर टू रिले एक्टिवेट हो जाएगा। जब आर वन एक्टिवेट हो जाएगा इस पुश बटन से, उसी टाइम इस पुश बटन से हम आर टू को एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आर वन स्टार्ट पुश बटन स्विच से वन नंबर स्विच से जब आर वन को एक्टिवेट करेंगे उस टाइम इसको दबा के रखना पड़ेगा, और वो जब आर वन एक्टिवेट हो जाएगा उसी टाइम आर वन का एनसी है, ए हो जाएगा एनओ, उस टाइम एनओ बन जाएगा, तब इधर से पावर यहाँ तक आ जाएगा। क्योंकि इधर इसको जब हम प्रेस करेंगे तब इधर तक ही पावर आएगा, आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये पहले एक्टिवेट हुआ है, इसीलिए इस टाइम ये आर टू को नहीं एक्टिवेट कर पाएगा, किसी भी हालात में भी ये नहीं एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग है, एक के साथ ये इंटरलॉकिंग कर दिया, इसीलिए ये जब ऑन होगा तो ये ऑन होगा नहीं, और ये जब ऑन होगा तो ये ऑन होगा नहीं। उसी टाइम अगर हम लोग पावर सप्लाई को ऐसे पावर सर्किट को कनेक्शन करते हैं कि आर वन का एनओ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे एक 230 वोल्ट एसी लेंगे कॉमन पोर्ट में जलेंगे और एनओ से निकल जाएगा उधर लोड में आएगा, उस टाइम एक ही जलेगा। अगर पुश बटन पी बी वन स्टार्ट पुश बटन एक को दबा के रखेंगे उसी टाइम लोड आर वन रिले का थ्रू ही लोड एक नंबर जलते रहेगा, वह चलते रहेगा, और उसी टाइम आर टू कभी भी नहीं जलेगा, उसी टाइम लोड टू ये जलेगा नहीं। जब लोड ऑन को छोड़ देंगे, लोड ऑन जब ऑफ हो जाएगा, पुश बटन जब ऑफ कर देंगे उसी टाइम अगर पुश बटन टू नंबर को प्रेस करेंगे तब क्या होगा, तब आर टू एक्टिवेट होगा, उसी टाइम आर टू के थ्रू लोड एल टू चलते रहेगा। उसी टाइम अगर पुश बटन वन को प्रेस करेंगे तभी भी रिले वन एक्टिवेट नहीं होगा,
और लोड वन जलेगा नहीं, क्योंकि ये लैचिंग है, इंटरलॉकिंग है, सॉरी इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग मीन्स एक चलेगा उस टाइम दूसरा बंद रहेगा, तो ये चलेगा तो ये बंद रहेगा और ये चलेगा तो ये बंद रहेगा, उसी टाइम एक साथ में दोनों कभी भी नहीं चलेगा, ये इंटरलॉकिंग है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आप लोगों का ज्ञान अच्छे से बढ़े। धन्यवाद।